रहती है वैसे। चीता सिंह साहब प्लीज आप इस मुल्क को देखें कि क्या चल रहा है। कोर्ट से बेल मिलती है मेरे हस्बैंड को और बाहर गाड़ी लगा के उठाना शुरू हो जाते हैं उनको। ये इंसाफ है इस मुल्क में? मुझे बताएं, जो भी पुलिस दी जाए। क्या कहेंगी मैडम आप? पहले भी फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए, आप साथ खड़ी हुई, आज फिर आपको कामयाबी के साथ फैसला हुआ है और हम बहुत बहुत खुश हैं कि हमारी अदालतें जिंदा हैं और इंसाफ जिंदा है। कोर्ट ने इनको रिलीज किया, वापस कोर्ट में बाहर गए तो गाड़ी में बैठी पुलिस फिर इनको गिरफ्तार करना चाहा। और ये देखें जी, फवाद चौधरी साहब को फिर पकड़ने की कोशिश की, जैसे ही वो दोबारा लेके निकले पंजाब पुलिस आई हुई है उनकी। फवाद चौधरी साहब की हालत गैर हो गई। पानी पिलाओ यार, चौधरी साहब को पानी पिलाएं, बेहोश हो रहे हैं यार। रिलैक्स हैं अभी, यहाँ पे उनका इंतजार किया जा रहा है। मुकालमन वो फ्रेश होने के लिए गए हैं और उनके लिए खाना भी लाया गया है। उनके जो हामी हैं अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कोशिश ये की जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी तरीके से रोकी जाए ताकि गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये खसूसी मनाजर जो मैं आपको अपने इस वीलॉग में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं तमाम मनाजर इसी वीलॉग में। और बाकी आप देखें, इंतज़ार है उन्हीं का, बाकी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है, तमाम लोग इसी लिए यहाँ पर आए हैं कि उनका जो है यहाँ पर मौजूदगी को, प्रेजेंस को यकीनी बनाया जाए ताकि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जो है वो किसी भी सूरत ना हो सके। आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिवली तमाम मनाजर हैं जो आप, वो फवाद चौधरी साहब आ गए हैं, आपको हम दिखाते हैं। वो देखें, फवाद चौधरी साहब आए हैं, बाहर आ गए हैं और जैसे ही वो यहाँ से निकलेंगे तो चौधरी साहब अब कैसे क्या कहेंगे? जो ये सारा कुछ हुआ है, पहले ऐसे कोई प्रेसिडेंट मौजूद है पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में? देखिए, हमने तो इससे पहले ये हालात देखे ही नहीं हैं जो हालात अभी देख रहे हैं। और अब हमने तो इन्हें अदालत भी आ गई है और ये भी आ गए, अब देखते हैं कैसे। चलें, चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी इस तरह के हालात उन्होंने पहले कभी देखे नहीं हैं। ये देखें, ये फवाद चौधरी मौजूद हैं और वो यहाँ पर ही हैं और जा रहे हैं। उनको बल्कि कहा गया कि आप अपना खाना खा लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग कोर्ट रूम में आ जाएं।